बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बड़े अफसोस के साथ आज मुझे इस शो को दोबारा करना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान कल हम जिता के बैठे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने 140 ओवर भी करवाए लेकिन पूरे 10 खिलाड़ी आउट ना कर सका। 462 का टारगेट सरफराज की नाहली सामने साबित हो रही है। इतना बड़ा टारगेट है, आप अटैक करो। कल ही ओवर से डिफेंस स्टार्ट किया हुआ है, हफीज को ओवर करवा रहा है, अटैक करता सारे फील्डर्स को ऊपर करके बॉलिंग करवाता तो मे भी हम आज कुछ और सूरत हाल होती कल की। और उसके बाद उस्मान ख्वाजा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 302 बॉल्स उसने डिफेंड की हैं। उसके बाद ट्राइल्स हेड ने 175 बॉल्स को डिफेंड किया। ये वो इनकी तरफ से माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस रही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जिसकी वजह से वो आज मैच ड्रॉ करने में बड़े आम साबित हुए। 140 ओवर्स टीम और 4 और 5 डेज में 140 ओवर्स, वो भी सहरा में दुबई में, इतने ओवर्स जो है ना स्पिनर्स को भी फेस करके ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम डिफेंड कर ले मैच, पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल बात है कि आप पाकिस्तान इधर भी दुबई में मैच जीत सकते हैं। जी इसमें आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान भी मैच जीतना चाहिए था, ये सरफराज की घटिया तरीन कैप्टनसी है। एशिया कप से लेकर अब तक वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा मैच में, ना उससे बैटिंग हो रही है, ना उससे कैप्टनसी हो रही है, ना उससे कीपिंग हो रही है। ऐसे रिव्यू हुआ वो ट्रेविस हेड का, अब पहले फर्स्ट आदमी हुआ है उसका एलबिट, अभी यासिर शाह ने उसको किया है सीधा प्लम था, तीनों रेड थी। यासिर शाह कॉन्फिडेंट था लेकिन सरफराज ने रिव्यू नहीं किया। अगर वो वहां पे आउट हो जाता तो नीचे आने वाले प्लेयर पे प्रेशर पड़ जाना था, वो पूरा सेशन खेल गए। और उसके बाद अगर वहां अभ्यास से अटैक करा रहा है पहला ओवर जिनका पिछले दिन आउट करके जा रहा है, अब्बास को नहीं लगाया, किसको लगाया वहां अभ्यास, उसने आके वाइड बॉल की है, नौ बॉल की है, तो सारा मोमेंटम तोड़ दिया, उनको कॉन्फिडेंस मिल गया। पहले तो मैं यही कहूंगा जिस तरह सर ने कहा कि उन्होंने अभ्यास को अटैकिंग ओवर देके बहुत गलत किया, मोहम्मद अब्बास मोशन में था, उसको ओवर अटैकिंग ओवर देने चाहिए थे, उसकी स्विंग भी होती है, वहाँ अभ्यास तक है वो पेस के पीछे चलता है, नो बॉल उसने इतनी की है, विकेट उसको कोई मिली नहीं। मेरे ख्याल से उसकी कोई जगह नहीं है। मैं 2 साल पहले सारी काम ये कह रही थी, उसको सरफराज साहब अपने चहितों को आगे ले आते हैं, एक वादा है डोमेस्टिक में इतनी अच्छी उसने परफॉर्मेंस दे रहा है लेकिन उसको टेस्ट मैच खिला भी रहे, दूसरी तरफ ये वहाँ अभ्यास है 2 साल उसने बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेली, पहले भी जब उसने टेस्ट मैच खेले थे कोई परफॉर्मेंस नहीं। वैसे मुझे तो ये लग रहा है कि ना उधर फादर को खेलना चाहिए उसकी जगह, हर सोई की जगह अच्छा उसने परफॉर्म किया, ये नहीं बाबर आजम की जगह उसकी जगह बनती है। बाबर आजम पिछले 12 टेस्ट में कुछ नहीं कर सका, जितने भी उसने 14 टेस्ट खेले हैं ना सिर्फ 4 या 5 50 है उसकी, और 24 की एवरेज है। टेस्ट क्रिकेट में एक बंदा 15 टेस्ट के बाद भी अगर 24 या 25 की एवरेज पर खड़ा है तो इसका मतलब उसका टेस्ट में कोई कैरियर नहीं बना। सर आप क्या कहेंगे? सर एक ही बात है कि वो हावरे आज अपने मैच में ना खिलाया जाए, उसकी जगह कोई नेक्स्ट प्लेयर जाए जो ओवर जिसे कहते हैं सर वहाँ अभ्यास नहीं खेलेगा आज, क्योंकि मैच के फौरन बाद ही रमीज राजा और वाजिद खान ने मिकी आर्थर को बुलाया और कहा कि वहाँ अभ्यास की तरफ परफॉर्मेंस पे थोड़ा तजिया करें। उसने कहा मैं अभी फिलहाल यहाँ पे बैठ के कमेंट नहीं कर सकता लेकिन मैंने उसकी जो बॉलिंग देखी है ना वो बॉलिंग मैं यूज करना है। लेकिन बात वही रहती है कि जब ये अपने गर्दाब में देख रहे हो क्रिकेटर्स को बुलाते हैं, टीम सेलेक्टर्स को बुलाते हैं, जो भी करते हैं, बात वही आ जाती है कि इन्होंने फिर बीच में कुछ ना कुछ करके भाग रहा तो नेक्स्ट मैच भी सेलेक्ट करवा ही लेना होगा। देखिए अगर सरफराज कैप्टन एस कैप्टनसी ऐसे करता रहा तो पाकिस्तान का जो दुबई में जितना भी है ना स्केड्यूल स्टेडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सफाया है, ये स्टेडिया से भी आ रही है, ये न्यूजीलैंड से भी आ रही है, और इसके बाद अगर ये वर्ल्ड कप में भी ऐसी कैप्टनसी करता रहा अफगानिस्तान भी आपको हरा देगी, बांग्लादेश भी हरा देगी, वेस्ट इंडीज भी हरा देगी, लंका भी हरा देगी, वो हरा देगी, वर्ल्ड कप में भी हरा देगी, बांग्लादेश तो बहुत अच्छी टीम है। सुमित साहब अगर बात करें आप अफगानिस्तान की, तो आप एशिया कप के अंदर अफगानिस्तान इंडिया का जो मैच किया था वो उन्होंने टाई किया था, एक तरह से उन्होंने अपने फुल जोन आजमाइश की थी कि हम लोग अगर बड़ी टीम भी आ सकती तो हम खेल सकते हैं। यहाँ पे ना हमारी टीम ने जो नए यंग ब्लड है ना वो बड़ा अच्छा है, उसको यूटिलाइज करना नहीं आ रहा सरफराज को, सरफराज बेचारे से खुद नहीं कुछ हो रहा, उसने किसी को क्या कहना, किसी को क्या कहेगा यार तू रन आउट हो गया, यार तूने 10 ओवर में आउट हो गया, खुद तो बेचारे से एक रन निभा के। सरफराज की बात को टीम में मानता है अपनी, ये बता दे आज देखे टीम पे ने तकरीबन 150 या 180 बोले ब्लॉक किए हैं, वो लोग उसको ताने मारते थे कि ये
इतना खासा कैप्टन बना दिया जिसका कोई ना टेक्निक है और उसने मैच बचाया। बिल्कुल ऐसे ही पेन पे कल मैंने भी कह दिया था 150 पे टीम आउट हो जाएगी, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ आज तो पाकिस्तान की सूरत इतनी 140 ओवर के बाद में बंदा 10 खिलाड़ी आउट नहीं कर पा रहा, तो मतलब आपकी टीम में बॉलिंग जीरो है। यासर शाह ने आज 4 आउट किए हैं, लेकिन उसने ओवर भी तो तकरीबन 44 ओवर करवाए गया, एक बंदा 44 ओवर करवा के 4 खिलाड़ी आउट कर रहा है, तो आप उसकी परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? तो जाती है सर बॉलिंग अच्छी है, बॉलर्स की चेंजेस अच्छी है की सरफराज ने, जहाँ पे वो रमीज राजा ने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया उनकी आदत से, उसने कहा जब आप दिन का आगाज करने लगे थे आपके पास 350 से ज्यादा रन थे, आपने क्या किया लॉन्ग ऑन भी पीछे मिड ऑन भी पीछे। सर ये तो कल के जब ओपनिंग जब उनकी आई है तब से ही पीछे है, तब से इन्होंने पीछे कहा अटैक क्यों नहीं किया, उसने वो हंसने लग पड़ा, उसने कहा इसका यार जवाब मैं यहाँ नहीं दूंगा मैं किया। अब देखिए मेरे जैसा बंदा है, मैं कह रहा हूँ सब अटैक करे, अच्छा टीवी पे देखते हुए हमें लग रहा होगा यार उस बंदे ने रिव्यू नहीं लिया ऐसे ही इतना पता क्या बात है, ओवर कॉन्फिडेंस भी होने के साथ साथ टीम के आज हम जीत ही जाएंगे ऑस्ट्रेलिया से क्या खेला जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम मारे वे आर कर लेंगे, जब वो आपके यार तू तो असर छोड़ ले पहले, शायद तू कोई शायद तू कोई आउट कर ले यही वजह, अगर उससे भी ना लीजिए चांस भी खिला रहे हैं कि अगर मुकाबले आ जाए विकेट ले ली तो हमारी अगला मैच भी इसका पक्का है, अगला मैच इसका पक्का है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैच में क्या होता है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मैच में आपके साथ जरूर आएंगे।